हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक? तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं स्पीकर ट्यूटर। इसका कॉइल कैसे लगाएं, किस तरह से बनाया जाता है, ये इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सीखते हैं किस तरह से कॉइल स्पाइडर इसका लगाना है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या होता है, क्वाइल का फिटिंग। क्वाइल का फिटिंग करना अगर आप जान गए तो स्पीकर बनाने का आप मास्टर हो गए। तो कैसे बनाना है आइए देखते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये देखिए, ये है मेरे पास 4 इंच का ट्यूटर है। ये ऊपर का कैप, ये इसका पेपर, इसको स्पाइडर बोला जाता है, ये क्वाइल और ये रबड़ है जिसको ऊपर से लगाया जाता है, और ये इसमें जाली। ये सारा सामान आपको चाहिए ट्यूटर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है, वो आपको क्वाइल को इसमें लगाकर देख लेना है। क्वाइल बिल्कुल इस तरह से फ्री होना चाहिए, और अगर फ्री नहीं आता है तो आपको एक गोल लकड़ी का बेलनाकार का आपको एक बना लेना है, जिसमें कॉइल को इस तरह से ऐसे डालकर और इस तरह से जब इसको आप राउंड करेंगे तो कॉइल हल्का फैल जाएगा और ये मैग्नेट के अंदर आसानी से फिटिंग होगा। वैसे तो 4 इंच का स्पीकर है तो 4 इंच का कॉइल सब सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 होता है, जिसको इस तरह से राउंड करके आप सेट कर लेंगे और इसको इसमें बिल्कुल फ्री फिट होना चाहिए। और अगर इसमें कुछ कचड़ा भरा हुआ है तो जो टेप होता है, ये बिजली वाला टेप, इसके सहायता से आप इसमें इस तरह से डाल के और इसको सफाई कर सकते हैं। जो भी इसके अंदर कचरा होगा वो टेप में फंस के बाहर आ जाएगा। तो ये मेरा साफ है बिल्कुल, और इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे, इसको कैसे लगाना है, कैसे बनाना है तो सही बनेगा, सही बजेगा। तो सबसे पहले इसका स्पाइडर के साथ क्वाइल को लगा लेना है, और उससे पहले क्वाइल जो है, इसका वायर है दोनों, ये दोनों वायर में इंसुलेशन लगा हुआ होता है, वार्निश लगा होता है, जिससे आपको घिस लेना है ताकि जब हम इसमें सोल्डिंग करेंगे वायर बाहर निकालने के लिए तो आसानी से सोल्डिंग हो जाए। इसके लिए इसको ब्लेड से हल्का घिस लेना होगा। तो ये हमने इसे घिस लिया है, और अब जो है इसका कॉइल लगाना है। तो कॉइल जो लगाना है इसमें आपको क्या ध्यान क्या देना है वो देखिए। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये कॉइल का, जैसे इसको देखिए हल्का हम बाहर निकालते हैं, ये देखिए ये कॉइल जो है, तो यहां अंदर से आप देखिएगा तो इसमें हल्का सा कॉइल ऊपर दिख रहा है, ये हल्का सा कॉइल बाहर दिखना चाहिए। अगर ज्यादा अंदर हो जाएगा तो आवाज दब जाएगा, और ज्यादा ऊपर हो जाएगा तो आवाज फड़फड़ करने लगेगा। इसलिए ये हल्का सा एकदम 1 mm से भी कम ये आपको इतना दिखना चाहिए। कॉइल लगाते समय इसका ये फार्मूला है, जो कि आपको सभी, कोई भी आप स्पीकर बना रहे हैं, 10 इंच, 8 इंच, 12 इंच, या जो डीजे वगैरह में चलता है 16 इंच, 18 इंच, जो भी जितना इंच का भी आपको स्पीकर बनाना है, कॉइल जो है बाहर में थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो एक तरीका और है, इसको अगर आपके पास कोई छोटा सा बाजा वगैरह है टेप, तो उसका
जो स्पीकर का वायर होता है वो इस पे आप देकर भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे कि आवाज़ अच्छा आ रहा है वहाँ पे कॉइल को फिक्स कर लीजिए। और इस तरह का जो है, आपके पास पेपर अगर हो तो इस कॉइल के बीच में दे सकते हैं। वैसे इतना छोटा स्पीकर का जो कॉइल होता है इसमें नहीं, ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन जो बड़ा वाला होता है उसमें देना होता है, इसलिए कि सूखने में इसमें जो समय लगता है वो उसके दौरान कॉइल जो है आगे पीछे ऊपर नीचे ना हो जाए और चारों तरफ से स्पेस बराबर रहे, इसके लिए वो दिया जाता है, इसमें ज़रूरत नहीं है आपको। तो अभी इसके ऊपर हम ये बोन फिक्स जो है बूंद इसको लगा लेंगे। इसके बाद इसे सुखा लेना है, जैसे कि हमने इसमें देखिए अभी स्पीकर का वायर ज्वाइंट कर दिया है, ये देखिए। अब आपको खुद समझ में आएगा, ये देखिए बज रहा है। इसको अंदर बाहर जब करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, अंदर बाहर करने से थोड़ा आवाज़ फर्क पड़ता है। तो जहाँ पे आवाज़ आपको लगता है कि अच्छा है वहाँ पे इसे फिक्स कर देना है। तो ये कॉइल को हम यहाँ से ही निकाल लेंगे, ऐसे ऊपर से पेपर पेपर अगर नहीं आए साइज में इसको हल्का सा ऐसे ओवर कर लेना है। यहाँ से नहीं निकालता, हम ऊपर से ही निकाल लेंगे ताकि ये बाद में अगर रिपेयरिंग करना हो तो आसानी हो। तो पहले हम इस वायर को अंदर से निकाल रहे थे, लेकिन बाद में हमने ये समझा, मतलब ये सोचा कि इसको इस तरह से बना लें ताकि बाद में अगर ये, उससे फ़ायदा क्या होता है कि बाई चांस अगर ये वायर कट गया, बैठे बैठे कट भी जाता है कभी कभी, तो ये रिपेयर भी किया जा सकता है। और अगर उस तरफ से हम निकालते हैं तो उसका रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ से कर लेते हैं इसको। तो ये इस तरह से सोल्डिंग हो चुका है। अब इसमें फिर से हम ऊपर से इस पेपर को सटने के लिए इधर किनारे से और इसके बीच में ये बोन फिक्स लगाएंगे और ये जो वायर है इसके ऊपर भी दे देंगे ताकि जब बजने में हमनिंग करें, वाइब्रेशन करें, तो ये छूटे नहीं। इस तरह से गूंद दे देना है मजबूती के साथ। और इसके किनारे किनारे ये पेपर सट जाए इसमें, इसके लिए इसके बाद इसे अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। तो इस तरह से ये ठीक हो चुका है, बन चुका है फर्स्ट क्लास और ये बज रहा है, आप सुन सकते हैं इसका आवाज। तो
क्लिक हो चुका है, बज रहा है, वीडियो का क्लिक है।